हेलो एवरीवन तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को सुबह की राम राम और नया दिन और नई शुरुआत के साथ आ गई हूँ किचन में तो पहले की तरह सभी लोग ऑफिस और कॉलेज चले गए हैं और आज सबसे पहले हस्बैंड को बना करके दी चाय मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ तो सिर्फ़ उनके लिए ही चाय बनाती हूँ और अपने लिए मैं गर्म पानी अर्ली मॉर्निंग में मैं गर्म पानी लेती हूँ या कभी नींबू पानी ले लिया या कभी जो कुछ कुछ भी हर्बल टाइप में कुछ भी ले लेती हूँ तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पहले मैं चाय पीती थी लेकिन अभी तो मैंने छोड़ दी है और इसके बाद देखिए सबसे पहले कर लिया है किचन में आ गई हूँ और दूध गर्म किया है पहले शाम के समय मंगाती थी लेकिन अब मॉर्निंग में मंगाती हूँ बच्चा लेकर के आता है जब उसको ठीक लगता है तब वो लेकर के आता है और मैं जो ये पैकेट वाला दूध आता है ना मैं हमेशा ये काम में लेती हूँ ऐसे तो हमारे यहाँ भैंस का या गाय का दूध पहुँचाने आते हैं घर लेकिन मैं हमेशा से डेयरी का दूध ही इस्तेमाल करती हूँ मेरी मम्मी वगैरह भी डेयरी का दूध इस्तेमाल करती थी और क्या है ना कि जैसे आप गाय का या भैंस का दूध लीजिए तो थोड़े समय तक तो दूध ठीक देते हैं लेकिन उसके बाद क्या करते हैं ना कि उसमें है ना मुझे ऐसा लगता है या तो पता नहीं पानी मिलाते हैं या क्या करते हैं और दूध अगर थोड़ा भी पतला आता है ना तो आप उनको कह भी नहीं सकते हैं उससे है ना आपको खुद को इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि कहेंगे तो कहेंगे अरे नहीं दूध तो हम ठीक ला रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ये है वो है तो एक गिल्टी सी खुद के मन में भी रहती है और टेंशन भी रहती है कि अगले को कह नहीं पाएंगे और पे, पेमेंट आपको पूरा करना है तो इसलिए मैं हमेशा जो डेयरी वाला दूध इस्तेमाल करती हूँ कि कैश लाइए मतलब पैसा दीजिए दुकान पर और ले कर के आइए जिस भी क्वालिटी का आपको चाहिए गोल्ड चाहिए या टोंड चाहिए या जैसा भी आपको दूध चाहिए आप उसके हिसाब से ले आइए अब गवर्नमेंट की तरफ से ये दूध सप्लाई होता है अब गवर्नमेंट ही अगर कुछ करती है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इसलिए मैं तो हमेशा डेयरी का दूध ही इस्तेमाल करती हूँ और uh पूरे दिन भर का यही काम है सबसे पहले दिन की शुरुआत किचन से ही होती है तो देखिए जो अचार बनाया था वो अब अच्छी तरीके से धीरे धीरे गलने लग गया और बहुत ही टेस्टी अचार बना है मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी तो आप एक बार ज़रूर से इस अचार को बना करके देखें आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और अचार बनाते के साथ ही मैंने तो इसे उसी दिन चख लिया था लेकिन हस्बैंड को कल दिया था खाने के लिए तो उन्होंने भी बोला कि बहुत ही अच्छा अचार बनाया है और पता ये अचार हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है अगर आप मिर्ची नहीं हैं तो आप सिर्फ आंवले का अचार भी बना सकते हैं आंवला डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है ऐसे तो हम आंवला नहीं खा पाते हैं लेकिन अगर आप इस तरीके से अचार बनाएंगे तो सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और क्या किया था ना कि जो चने भीगने के लिए रखे थे तो चने तो भीग गए थे लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ी सी मूँग भीगने के लिए रखी है तो चने तो भीगे हुए हैं और मूंग को भिगोंगी तो मूंग आराम से चार से पाँच घंटे में भीग करके तैयार हो जाते हैं तो क्या करूँगी जो चने और मूंग है ना दोनों को भिगो करके और अंकुरित करूंगी तो उससे क्या होता है कुछ भी रेसिपी आपको बनानी है या अगर आपको भूख लग रही है अगर आप चीला वगैरह बनाना चाहते हैं मूंग का चीला भी बहुत ही अच्छा बनता है तो मैं तो हमेशा मूंग हो या चने हो हमेशा थोड़े से भिगो करके अंकुरित करके रखती हूँ कि जैसे भी अगर मान लो ज़्यादा भूख लग रही हो अचानक से भूख लग रही हो शाम के समय बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चे जिद करते हैं कि मम्मी भूख लग रही है आ, कुछ है नहीं क्या तो मैं तो इसे थोड़ा सा तेल डाल करके प्याज डाल के और फ्राई करके देती हूँ तो बहुत ही चटपटा लगता है खाने में नींबू का रस नीचोड़ दीजिए आप इसके ऊपर से कभी इसकी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी तो अभी इन्हें भीगने के लिए छोड़ दिया है और उसके बाद नंबर आ गया है बर्तन धोने का तो अभी तो इतनी ठंड हो गई है ना तो ठंड हो गई है तो क्या करती हूँ ना कि किचन में गीजर लगा हुआ है तो कभी मन करता है तो गीज़र चला करके और गर्म पानी मिक्स करके और बर्तन धोती हूँ लेकिन किचन में जब आप काम करते हैं ना तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि कोई भी देखता है या हस्बैंड है या कोई भी लोग कहते हैं बोले सफाई नहीं करती हो इतनी गंदगी कैसे है ये है वो है और घर का काम करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें याद ही नहीं रहती तो मैं तो क्या करती हूँ ना कि जैसे ही टाइम मिलता है ना छोटी छोटी चीज़ों को लगे हाथों ही साफ कर देती हूँ अब जैसे ये जो किचन वाला नल है ये वाइट कलर का है और ये इतनी जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि जो भी हम खाना वगैरह बनाते हैं बर्तन धोते हैं और सबसे ज़्यादा काम आता है ये तो इसमें बार बार हाथ लगते हैं तो मैं क्या करती हूँ ना कि इसे हर पाँच से सात दिन या दस दिन में तो इसे एक बार डिश वॉशर डाल करके और इसे अच्छी तरीके से धो देती हूँ तो जितना भी मेरे से होता है ना उतना तो मैं इसे धो करके और बिल्कुल साफ़ क्लीन करके रखती हूँ अगर ज़्यादा दिन अगर आप इसे नहीं धोएंगे ना तो ये इतना ज़्यादा गंदा हो जाएगा क्योंकि वाइट कलर का है तो उसके बाद ये साफ़ करना बहुत ही टेढ़ा काम हो जाएगा Yeah. <sighs> तो मैं तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके जैसे ये हो गया या कुछ भी छोटा छोटा सा वो है वो सब करीब करीब मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे करके और मैं साफ़ करती चलूँ क्योंकि अकेले हूँ मेरे घर में हाउस हेल्पर नहीं है और अभी हम इतने फाइनेंशियली मजबूत भी नहीं है कि हाउस हाउस हेल्पर रख सकें और बच्चे लोग हैं अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो जब तक होता है जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद से ही साफ़ सफ़ाई करके और जितना भी होता है मैं ऐसा भी नहीं सोचती हूँ कि एक ही दिन में मुझे सारा काम करना है ये भी करना है वो भी करना है नहीं और ऐसा भी कोई विशेष दबाव नहीं है तो ज, जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है वैसे वैसे काम करती रहती हूँ ऐसा भी नहीं है कि आपको पोछा वगैरह रेगुलर लगाना है तो कभी कभी बीच में बंक भी मार देती हूँ पोछा वगैरह लगाने में तो सिर्फ झाड़ू वगैरह लगा करके और मुझे काम करते करते इतना टाइम हो जाता है ना कि पूजा का नियम ऐसे होता है कि 10-11 बजे या अर्ली मॉर्निंग कर लें लेकिन अब मुझे तो इतना टाइम हो जाता है तो मैं कभी 11 बजे कभी साढ़े ग्यारह कभी 12 बजे और पूजा करना मतलब नहा धो करके और मैं पूजा करके करने टेरेस पर जा रही थी क्योंकि मैंने तुलसा जी का जो पौधा है वो ऊपर ही लगा रखा है और अब सारे काम से फ्री हो गई हूँ अब आ गई हूँ किचन में क्योंकि रुद्र के स्कूल से आने का टाइम हो गया है और मैं कोशिश करती हूँ मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं गर्म खाना बनाऊँ और क्योंकि वो दो से ढाई बजे आता है ऐसे तो मैं उसे लंच बना करके देती हूँ हस्बैंड का जब सुबह मॉर्निंग में लंच बनाती हूँ उस समय मैं टिफिन बना करके देती हूँ उनको तो उसी समय मैं रुद्र का टिफिन भी बनाती हूँ बच्चों के लिए भी नाश्ता बना देती हूँ लेकिन रुद्र दो बजे स्कूल आज से आता है मतलब ढाई बजे पहले दो बजे आता था अब ढाई बजे स्कूल से आता है तो ढाई बजे मैं आपको बता देती हूँ रुद्र मेरा बेटा है तो ढाई बजे स्कूल जाता है तो मैं उसी समय गर्म खाना जो भी जितना भी जल्दी हो सकता है मैं फटाफट से बना करके तैयार करती हूँ क्योंकि और आज मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस बनाऊंगी तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि दो मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए हैं दो हरी मिर्च काट ली है और साथ में एक गाजर ले ली थी और इसके मतलब इसके अंदर से जो व्हाइट वाला पार्ट है ना क्योंकि अभी मार्केट में उतनी अच्छी गाजर नहीं आ रही है जितनी मौसम के हिसाब से आती है अभी थोड़ी हार्ड हार्ड सी गाजर आ रही है उतनी लाल और सुर्ख मीठी गाजर बिल्कुल भी नहीं आ रही है मतलब मीठ सर्ख लाल और मीठी गाजर नहीं आ रही है तो मैंने एक गाजर को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है और अब चढ़ा दी है कढ़ाई आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं अगर आप सरसों का तेल खाते हैं तो आप सरसों का तेल या रिफाइंड खाते हैं आपकी चॉइस है आप किस तरीके का तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तेल गर्म हो गया है मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है आधा चम्मच ही उड़द की दाल और आधा चम्मच मैंने चने की दाल डाली है एक लाल मिर्च को सूखी हुई लाल मिर्च को दो से तीन टुकड़े करके और मैंने इसे डाल दिया था साथ में मैंने कड़ी पत्ता डाला है और इसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है तो जब तक गोल्डन ब्राउन होगा उसके बाद इसके अंदर थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे तो मैंने हल्की सी इसके अंदर हींग का इस्तेमाल किया है हींग मैंने पहले नहीं डाली थी हींग मैंने अब डाली है हींग डाल देने के बाद क्या करेंगे इसके अंदर थोड़े से मटर डालेंगे तो अगर आपके पास ये फ्रेश वाले मटर ना हो तो आप फ्रोज़न वाले मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मेरे पास फ्रेश थे तो इसलिए मैंने बारीक कटी हुई गाजर और साथ में मैंने इसके अंदर मटर डाल दिया है और अब आपको फ्लेम हाई रखना है यानी कि लो फ्लेम पर इसे बिल्कुल नहीं पकाना है ये थोड़ा सा आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो थोड़ा इसका जो क्रंचीपन है वो बना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा अब क्या करेंगे ना कि एक बिल्कुल लाल सा टमाटर मैंने ले लिया है लेकिन मैं इसमें आधा ही टमाटर इस्तेमाल करूँगी क्योंकि बच्चे लोग टमाटर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं वो इसमें से क्या कुछ भी आप बनाइए कितनी भी अच्छी सब्ज़ी बनाइए उसमें से टमाटर निकाल निकाल करके साइड में रखते हैं तो टमाटर में जरूर से डालूंगी लेकिन आधा टमाटर ही इस्तेमाल करूँगी तो आप क्या करेंगे इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे तो नमक डाला है साथ में मैंने इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाला है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर साथ में ही मैंने इसके अंदर आधा चम्मच लगभग तीखी वाली लाल मिर्च डाली है ताकि इसका जो थोड़ा चटपटापन बना रहे थोड़ा सा तीखा रहता है तो खाने में अच्छा लगता है अगर आप मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं तो क्या होता है ना कि चावल थोड़े फीके फीके बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं तो अब क्या करेंगे इस मसाले को अच्छी तरीके से फ़्राई कर लेंगे कम से कम एक से दो मिनट तक आप इसे फ्राई कर लें और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं बारीक कटे हुए टमाटर तो टमाटर डालने के बाद आपको इसे एक से दो मिनट तक कंटिन्यू चला करके और इसे भून लेना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए जब टमाटर सॉफ्ट होने लग जाएंगे तो देखिए ये इस तरीके से बिल्कुल अब टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं यानी कि पक गए हैं अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चावल तो चावल मैंने रात को बनाए थे और अगर आप गरम चावल से बनाना चाहते हैं तो चावलों को पहले बना लें और जब चावल ठंडे हो जाए, उसके बाद आप इस तरीके से फ्राई करें तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे लेकिन मैंने रात को चावल बनाए थे और चावल बच गए थे तो मैं हमेशा इसी तरीके से चावल का इस्तेमाल करती हूँ ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगे अब चावल मतलब बन करके तैयार हो चुके हैं तो मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाला है और साथ में ढेर सारी हरी पत्तेदार धनिया डाली है तो आज की रेसिपी तो मैंने इसी तरीके से कंप्लीट करी है तो मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ रेसिपी को आप शेयर भी ज़रूर करें और देखिए ये चने की घुगनी चावल दही और अचार लिया है तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ बाय